ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ही था कि P2P में क्या क्या डेफिशिएंसीज हो सकता है, इसमें क्या क्या फ्रॉड्स हो सकता है, तो इसका आंसर बताएगा अंशुल। प्रोक्योर टू पे में क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है, दो तो अभी आपने शायद बताया था निशा शर्मा ने, अंशुल बोलिए P2P में क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है प्रोक्योर टू पे में। सो देयर माइट बी अ किकबैक अरेंजमेंट इज देयर, एक क्वांटिटी बार ओ, मिसमैच वीडियो ऑन कर इन लीजिए अपना, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ जी देयर माइट बी अ किकबैक अरेंजमेंट इज देयर, क्वांटिटी डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस, किकबैक अरेंजमेंट का क्या बेसिकली मतलब होता है? द पर्सन हु इज चूजिंग द व्हाट यू से द पर्सन हु इज चूजिंग द कोटेशन माइट सिलेक्ट अ हायर माइट सिलेक्ट द कोटेशन विद अ हायर प्राइस. बेसिकली वी यूज टू सिलेक्ट द लोवेस्ट कोटेशन, बट बिकॉज ऑफ सम किकबैक अरेंजमेंट विद द वेंडर्स और वेंडर्स, ही माइट सिलेक्ट हायर प्राइस. किकबैक पता है आप लोगों को क्या होता है? क्या होता है किकबैक सुरभि? किकबैक, किकबैक नो सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस टर्म्स। सबीना, आप लोगों तो नहीं, अंकित, किकबैक, किकबैक, निशा नो शर्मा, किकबैक, कोल्यूजन विथ वेंडर। सही बोल रहे क्या? यस सर. हाँ, पहले से ही हमें हो जाता है लोगों का कि इतना प्राइस में देना है, ठीक है, तो ये एक हो गया, ठीक है, वेरी गुड। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? कल्यूजन का मतलब ही नहीं पता वो जन को तो ना, सर मैं भी यही कल्यूजन बता रही मतलब, थी, पर मेरे को ये टर्म के बारे में नहीं पता था। हाँ देखिए, हर दिन आएगे ना सेशन में तो नया नया चीज पता चलता है, समझ गया, यही तो है ना। देखिए, हर दिन आएगा नया नया चीज कथा मिलता है आपको सीखने को, कि हर आदमी अलग अलग किक बैक वो सिखाएगा, ठीक है। किक बैक मतलब कल्यूजन होता है, मतलब मिली भगत, कुछ ना कुछ पहले से होकर रखता है। दूसरा और बताइए, और क्या पॉइंट्स होता है पीओ में? प्राइस मिसमैच इज देयर, प्राइस इज नॉट एज पर द एग्रीमेंट, द हाँ, क्वांटिटी इज नॉट एज पर द परचेस ऑर्डर. हिंदी में बताइए, इंग्लिश नहीं समझ में आता है कोई कोई, अपर में इंग्लिश में कन्वर्ट करना आता है सबको, पर इंग्लिश समझ में नहीं आता बोलता तो कोई। अंकित बोला था कोई बात कि हमको एक्चुअली इंग्लिश में कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं है, पर इंग्लिश ही नहीं समझ में आता दूसरा का, ठीक है, बोलिए। तो क्वांटिटी पीओ के साथ मैच नहीं हो सकता है, या फिर एक्सेस क्वांटिटी हैज बीन, एक्सेस क्वांटिटी मिल गई हो, पेमेंट जो हो रहा है वो नॉट एज पर द टर्म्स हो रहा है, देन रेट जो इनवॉइस पे चार्ज किया है वो एज पर पीओ या एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं हो, दिस आर ऑल द डिस्क्रिपेंसीज. और कुछ नहीं मिला आपको? पीओ स्प्लिटअप, नॉट पीओ स्प्लिटअप पढ़े थे? पीओ स्प्लिटअप कौन बताएगा? पीओ स्प्लिटअप नोट्स बनाते जाइए। पीओ स्प्लिटअप यस मतलब क्या सर, होता है? पीओ पीओ स्प्लिटअप स्प्लिटअप में इन केस देयर इज अ पॉलिसी दैट आफ्टर सम बेंचमार्क वी हैव टू टेक ऑथराइजेशन हिंदी में, हिंदी फॉर में इंग्लिश द, नहीं होता है, हिंदी यस हिंदी. सर, जैसे सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग पॉलिसी होती है कि आफ्टर सर्टेन बेंचमार्क, एक कोटेशन यदि हम लोग किसी से लें तो हम लोग उसके लिए हायर अथॉरिटी से पहले परमिशन लें। लाइक सपोज 1 लाख का कुछ गुड्स हम लोग मंगवा रहे हैं, तो हम लोग को 1 लाख से ऊपर के गुड्स जितने भी हैं उसके लिए हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, बट वो लोग पीओ स्प्लिट कर देते हैं इन लोअर अमाउंट सो दैट वो लोगों को हायर अथॉरिटी से परमिशन ना लेनी हो और वो अपने एंड से ही कोटेशन फाइनल करके वेंडर से गुड्स मंगवा ले। यस सभी ना, आपको समझ में सर, आया ये पॉइंट? वीडियो ऑन करिए ना, खाना तो खाना हो गया ना, मेरे हिसाब से खाना खाते रहेंगे क्या सब? वीडियो ऑन करिए, ठीक है, नो सर, पीओ तो थोड़ा सा कोटेशन होता है, एक्सेप्ट थोड़ा करने नहीं के समझ में बाद आता है. जनरेट होता है ना। राइट, आप पीओ पीओ का बोलिए कि पीओ स्प्लिटअप क्या होता है. इसलिए मतलब वीडियो बार बार पे बंद क्यों कर लेते हैं, म्यूट म्यूट में हो. नहीं, वो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी तो ध्यान डिवर्ट हो गया था, तो मैंने सुना नहीं अच्छे से। नहीं, ये नहीं सुना आपने, इससे पहले क्या बोला था वो बताइए, क्या सुना था जो अंशुल बोला था वो वो एक्चुअली बताइए. क्लिक, वो एक्चुअली ऑर्डर टू कैश का चल रहा था, उसके बाद कोई एक ऑर्डर टू टर्म कैश में बताइए, देख क्या सुना लिया। आपने?
ऑर्डर टू कैश में क्या क्या सुना बता दीजिए। ऑर्डर टू कैश में ये होता है कि पहले तो ऑर्डर रिसीव होता है, वो प्रोसेस होता है। थोड़ा से बोलिए, थोड़ा सा जोर बोल लीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका, मेरा भी कुछ नहीं जाएगा आपका। थोड़ा सा माइक ऑन कर ले, माइक होता है, माइक नहीं है, माइक दीजिए हम दे आपको। थोड़ा सा जोर से बोलिए। ऑर्डर टू कैश में थोड़ा सा और ऑर्डर टू कैश में ऑर्डर रिसीव से लेके कैश आप लोग सुनाई दे रहे हैं आवाज, मेरे को तो नहीं सुनाई दे रहा है। सुनाई देने से नहीं होगा, समझ में आना चाहिए, फिर प्रॉब्लम वो है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। एक मिनट, हेलो, वो 2 लाख का इंटरव्यू नहीं ले रहा है, वो आपको 10 लाख रुपए देगा, 10 लाख रुपए देगा और हमें। हाँ जोर से बोलिए, आप लोग ये प्रॉब्लम देने वाला है, पता है, जोर से नहीं बोलेगा ना वापर में तो आप लोग को ही दिक्कत देगा वापर में। आदमी को सुनाई देना चाहिए ना प्रॉपरली, वो कान क्या बोल रही सुनते ऐसे करके क्यों। ऑर्डर टू कैश में ऑर्डर रिसीव से लेके कैश कलेक्शन तक का सारा प्रोसेस होता है कि ऑर्डर रिसीव्ड हुआ पहले, फिर बिलिंग वगैरह हुई, फिर एजिंग वगैरह हुई, फिर पेमेंट कलेक्ट हुई, तो ये सारा प्रोसेस होता है उसमें। पहले बार आपका आवाज सुनाई दिया मेरे को, पता है आपको इतना दिन में आपको पहले बार आपका आवाज सुनाई दिया है ठीक से। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा ये चीज, पर आपका जो ऑडियो का क्वालिटी एंड जो विजुअल क्वालिटी होता है ना, ये दोनों चीज मैटर करता है आपका इंटरव्यू में। आपका ऑडियो क्वालिटी तो ठीक है, सॉरी वीडियो क्वालिटी तो ठीक है, पर ऑडियो क्वालिटी प्रॉब्लम है। कोई कोई का जैसे कीर्तिका थी जो भी अभी दी दिखाई दी थी, उसका वीडियो क्वालिटी का प्रॉब्लम था। अब वीडियो क्यों बंद हो गया आपका? हाँ जी सबीना, हाँ जी सबीना, इंटरनेट ठीक है ना? आप लोग वीडियो ऑन रखिए जी, ऐसे आप लोग को प्रॉब्लम आएगा। वीडियो ऑन करिए सब। वीडियो ऑन करिए, आप लोग को ही दिक्कत होगा ऐसे करके। वीडियो ऑन करके रखिए प्रॉपरली। निशा शर्मा, अंकित, साक्षी, अमन जैन, वीडियो ऑन करके रखिए अपना। वीडियो ऑन करिए आप लोग। सर मैं अभी वो बाहर थी, थोड़ा ट्रैवलिंग, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर रखा था थोड़ा। तो आप बाकी का अंकित आप लोग वीडियो ऑन रखिए एक ही जगह में, को सीरियसली लेना पड़ेगा इंटरव्यू को। इसको सीरियसली नहीं लेके आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप लोग जो वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब कुछ देखेगा इंटरव्यू में। आप कितना ज्यादा अपने आपका बैकग्राउंड सब देखा जाता है, आप कहाँ पर हो, क्या कपड़ा पहना है, कैसे आपने खड़ा हुआ है, एवरीथिंग विल बी सीन। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, तो वीडियो ऑन करिए आप ठीक है। निशा शर्मा सबीना वीडियो ऑन रखिए, बिकॉज इट्स जितना मेरे साथ ऑनेस्टी रखोगे इंटरव्यू उतना ही ऑनेस्टी के साथ अच्छा जाएगा, समझ रहे हो। वो आपको सीधा ही रिजेक्ट कर देगा अगर आपने वीडियो ऑडियो आपका सही नहीं रहा, यू आर रिजेक्टेड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको सीरियसली लीजिएगा एकदम ठीक है। अभी जो भी बात हुआ था पीओ और ओ2सी में, तो पीओ में पी2पी में 3-4 एनसेस डेफिशिएंसीज का भी बात हुआ है ठीक है। वो क्या क्या है अंकित बताइए, पी2पी में क्या क्या डेफिशिएंसीज है? अंकित बोलिए। पी2पी का उन्होंने क्या बोला मुझे वो फिलहाल याद नहीं, मैं मुझे जो याद है वो बता देता हूँ ठीक है। पीओ में सबसे पहले यूजर डिपार्टमेंट परचेज रिक्वेस्ट, ऑडियो क्वालिटी में काम करिए आप लोग। ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, ऑडियो क्वालिटी देखेगा वापर में। योर वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी बोथ विल बी सीन। जब आप बोल रहे हो ना तो आप खुद के लिए नहीं बोल रहे हो, दूसरा को समझ में आना चाहिए आप क्या बोल रहे हो। टेक इट वेरी सीरियसली, आप जैसे खड़े हो सब कुछ देखेगा ओवर में। आप हाउ सीट, अंशुल इज सिटिंग प्रॉपरली राइट, यू नीड टू सीट प्रॉपरली। आप कहाँ पर हो मेरे को पता ही कौन सा कावर नदिया पार में, उनको पता ही नहीं पता है
प्रॉपरली बैठ के रखे हो कि आपका केस कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसे, थोड़ा सा वीडियो ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करिए, तो कुछ ऑडियो बगल में रखिए क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा आपका वॉइस, इट हैज टू बी वेरी क्लियर इन द फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, आपको उसको समझ में आ जाना चाहिए कि बार में जो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। आपका ऑडियो क्वालिटी का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आएगा उसको बहुत सीधा, इंग्लिश तो ही प्रॉब्लम, ऑडियो क्वालिटी इज द प्रॉब्लम, और जो आपका जो कपड़ा पहने वो भी प्रॉब्लम है, तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आप जब आंसर बोलते हो ना इतना फास्ट बोलते हो ना कि आपको ही समझ में आता खाली और दूसरा को नहीं समझ में आ रहा है, चार प्रॉब्लम अभी बता दिए आपको मैंने। कोई अगर कारों का कोई अमेंडमेंट पूछेगा, आपने खाली बोल दिया कैश लॉस ये वो बोलेगा एक्सप्लेन इट, उसको एक्सप्लेन फटाफट कर दिए तो उसको पता चल जाएगा इसको आंसर नहीं पता है, इसको आंसर क्योंकि नहीं पता इसलिए फटाफट बोल रहा है, दे आर वेरी स्मार्ट, उसको समझ में आप जब बोल रहे हो ना तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, इसको आपको ध्यान देना है, आप फटाफट करके निकलने का कोशिश करोगे ना वो आपको निकाल देगा, वो दो बार बोलेगा आपको अच्छा से बोलिए अच्छा से बोलिए, तीसरा बार आपको नहीं बोलेगा वी विल गेट बैक टू यू, योर कम्युनिकेशन स्किल इज वीक, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आई एम आस्किंग यू समथिंग यू आर सेइंग मी समथिंग एल्स, बोल के निकाल देगा वो, आई एम वेरी सीरियस विद दिस अंकित, ठीक है। बोले पी टू पी में क्या डेफिशिएंसीज है, ऑडियो क्वालिटी अच्छा रखिए, जोर से बोलिए आंसर, हां P2P में सबसे पहले यूजर डिपार्टमेंट परचेज रिक्विजिशन देता है, तो परचेज रिक्विजिशन में सबसे पहले थोड़ा और जोड़ आपका अभी भी ऑडियो क्वालिटी बेस्ट नहीं है, थोड़ा और जोड़ होना पड़ेगा आपका, इससे ज्यादा तो नहीं होगा सिर्फ ये फोन तो मिलेगा नहीं पैसा ऑफर में, आपको होगा ही नहीं, आपका इंटरव्यू में रिजेक्ट होने वाला काम हो जाएगा, इससे जोड़ होना पड़ेगा आपका आवाज, आप पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपको बोलने में, ऑडियो क्वालिटी इज नॉट गुड, लूंगा ना हां मैं ईयरफोन चेंज कर लूंगा ना, एयरफोन का बात नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को, सच्ची बता रहा हूँ आपका बॉडी लैंग्वेज में वो नहीं है बात, हाउ यू आर सिटिंग विद दिस बॉडी लैंग्वेज इज नॉट गुड, पता नहीं आपको क्या सिचुएशन में बैठा है, बट बॉडी लैंग्वेज मेरा काम है बोलने का ना, आपका बॉडी लैंग्वेज मेरे को सही नहीं लग रहा है सर, सर एक मिनट रुकिए, एक मिनट इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, बोलिए फिर से बोलिए, एक मिनट हाँ बोलिए अंकित, पी टू पी डेफिशिएंसीज पीआर इश्यू होता है तो बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, जब यूजर डिपार्टमेंट पीआर इशू करता है तो सबसे पहले उस पीआर को चेक करने के लिए कोई पीआर रिलीज स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पीआर जो बना है परचेज एक्विजिशन वो सही बना है, उतने मटेरियल की जरूरत है भी या नहीं है, तो उसका अप्रूवल होना चाहिए बेसिकली बात ये, और उसको हम चार्ट ऑफ अथॉरिटी या डॉक्यूमेंट ऑफ डेलीगेशन से चेक कर सकते हैं, उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट पीओ बनाता है तो उससे पहले वो अलग अलग वेंडर से कोटेशन मंगाएगा, फिर उन कोटेशन को कंपेयर किया है या नहीं किया है या डायरेक्टली किसी एक ही वेंडर को ऑर्डर दे दिया है, वो चेक करेंगे वो का क्या फर्स्ट प्राइस था, नेगोशिएशन के बाद क्या लास्ट प्राइस था, उसके बाद में जो वेंडर लो प्राइस पे बेटर क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी देगा उसको सेलेक्ट करके पीओ बनाया जाएगा, फिर पीओ में का भी रिलीज स्ट्रेटजी होनी चाहिए चेक करने के लिए कि पीओ में सही जितने रिक्विजिशन आया था उतनी क्वांटिटी का बना है या एक्सेस क्वांटिटी का बना दिया है, उसमें अमाउंट इंग्लिश में बोलेंगे आंसर को, ये ठीक है आप अच्छा बोले इंग्लिश में बोलिए चीज को, इंग्लिश का सर इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी डायरेक्टली, आप ये सब कब सीखेंगे, 5 साल बाद सीखेंगे क्या, 2 साल हो गए आपका सीए बनना होगा मेरे हिसाब से ना, ठीक है हमको काम है, देखिए आपको जब आपको आपको लग रहा है कि बहुत इजी होगा आपके लिए, लाइफ इतना इजी नहीं होने वाला है, वो आपको वी विल गेट बैक टू यू बोल देगा अच्छा से, योर कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट गुड, योर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट गुड, योर स्टाइल इज नॉट गुड, और ऐसा झाड़ेगा आपको आपको समझ में आ जाएगा उम्र में कि हम जो बोल रहा था सही बात बोल रहा था, हम अभी आपको प्यार से हम प्यार वाला काम ही नहीं हो रहा है एकदम भी, आप आंसर सही बोल रहे हो हमको पता है पर इंग्लिश आपका सही नहीं है, बॉडी लैंग्वेज में गलती है, पूरा सब कुछ गलत है, अभी इम्प्रूव करना पड़ेगा बॉस आपको,
और जब ही हम बोलते हैं ना कुछ भी तब आप लोग का इंटरनेट अचानक से खराब हो जाता है, मैंने देखा कि आप लोग दिखाना चाहते हैं इंटरनेट खराब है, हमको पता है इंटरनेट खराब नहीं है, हम लोग जान उसे दिखाते इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बाबू इंटरनेट का प्रॉब्लम, इंटरनेट में बहुत चालाक होता है, उसको पता चल जाता है आपका बॉडी लैंग्वेज खराब है, चीटिंग कर रहा है, वो कर रहा है, आप लोग सोचेगा कि चीटिंग कर लेता है इंटरनेट का इशू है, इंटरनेट इशू है, दो बार इंटरनेट इशू कर लीजिए, तीसरा बार वो आपको गेट आउट करवा देगा सीधा, मजाक नहीं कर रहे, कोई अगर इंटरव्यू दिया है भोजन चलाकी करके क्या करता है अपना इंटरव्यू बार बार बंद ऐसे करेगा ना, हाँ बंद किया ओपन किया बंद किया ओपन किया ऐसे करके, इंटरनेट इशू चीटिंग कर लेते हैं, इंटरनेट इशू चीटिंग कर लेते हैं, दो बार करके देखिए इट विल गेट बैक क्यू कर देगा, वहां पर नॉनसेंस वो टॉलरेट ही नहीं करेगा, आपका इंटरनेट खराब हमारा क्या गलती क्या है, जियो लो ना, कौन बोला आइडिया लेने के लिए, आपका नहीं इंटरनेट, यू शुड बी रेडी ना, अगर 12 बजे इंटरव्यू यू शुड बी रेडी, इंटरनेट खराब है कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों, आप पीडब्ल्यूसी से करके आई, एक्सेंचर से आई, इधर से आई, उधर से आई, इंटरनेट खराब है बोलने से नहीं वो लोग मानेगा नहीं, आपको बता देते हैं इंटरनेट खराब है, ये हो गया वो हो गया, नहीं मानेगा बोल के, और 50 आदमी रखने के लिए लोगों, ये सब चीज आपको आपका प्रॉब्लम है, दिस इज योर हेडेक, यही होने वाला है फिर बाद में जाके बोलेगा सर सही बोल रहे थे, ठीक है ये इंप्रूव करिए हम किताब, ठीक है आंसर सही बोल रहे हो पर आपको इंग्लिश में इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है सभी ना, यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी मेरे हिसाब से दो ही आदमी का सबसे ज्यादा खराब है, अंकित और सबीना, और ये आप लोग बोलोगे कि मेरा इससे ज्यादा हम जोर से बोल नहीं सकते तो भी पैसा देने को रेडी नहीं है, आपको जोर से बोलना ही पड़ेगा, आप लोग का वॉइस में वो इंटरेस्ट ही नहीं है, सबीना तैसे बोलती है कि हम इससे ज्यादा तो कभी जीवन में नहीं बोले किसी के सामने, नहीं होगा ना, जोर से बोलना पड़ेगा आंसर आपको, नहीं हम इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमको 1 करोड़ रुपया देने से भी हम नहीं बोलेंगे, इससे ज्यादा हमारा औकात ही नहीं है जोर से बोलने का, बोलेगा ही नहीं आपको, अरे मेरे को सॉरी बोल के क्या मिलेगा आपको बताइए, मेरे हम थोड़ी सबको पैसा देने वाले हैं, पैसा तो इंटरव्यूअर देने वाला है, मेरे को सॉरी बोल के क्या होगा, आपको रिजेक्ट कर देगा सीधा कि योर वॉइस क्वालिटी इज नॉट गुड, योर ऑडियो क्वालिटी इज नॉट गुड, योर कम्युनिकेशन इज नॉट गुड, योर टेक्निकल स्किल इज नॉट गुड, योर नथिंग इज गुड, आई विल टेक यू, समझ रहे हो ना, इससे जोड़ हम नहीं बोल सकते हैं, मेरा आप ये बोलो कि मेरा एयरफोन खराब था, एयरफोन खराब तो चिल्लाइए, देखिए हम एयरफोन पे ना कहीं पर भी देख लीजिए, एयरफोन दिखाई दे रहा है तो बोलिए एयरफोन है, मेरा वॉइस आता है ना, ऐसा नहीं कि मेरा वॉइस नहीं आ रहा बोलिए, मेरा वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है एकदम जोर से आ रहा होगा, एकदम सुनाई दे रहा है तो बोल दीजिए आ रहा है कि नहीं, अंशुल मेरा वॉइस आ रहा है ना बोलिए, मेरा वॉइस तो आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बताइए, क्या परफेक्टली नहीं आ रहा, तो आप लोग का वॉइस क्यों नहीं आ रहा है, एयरफोन का कभी दरकार नहीं, और हम यूट्यूबर है देखिए 215 वीडियोस बना चुके हैं, हमको एग्जैक्टली साउंड क्वालिटी पता है, आप लोग अगर अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है ना ऑडियो क्वालिटी है तो 2-3 यूट्यूब में वीडियो डाल दीजिए, कुछ रील बना लीजिए, पर ये सब चीज इंप्रूव करिए अपना ऑडियो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी, ऑडियो वीडियो बहुत जरूरी है आपका, ये सब आपको बड़ा बड़ा अगर 15-20 लाख का पैकेज पकड़ना है ना कभी जिंदगी में, ऑडियो वीडियो क्वालिटी बहुत जरूरी होने वाला है, आप देखिए कोई कोई बोलता है इज माई ऑडियो वीडियो क्लियर, ऑडियो वीडियो बहुत जरूरी है, और आप जिस तरह का कपड़ा पहन रहे हो ये तीन चीज के कारण आपको ना जहाँ पर 10 लाख रुपया मिलने लगा जाएगा 15 लाख रुपया मिल जाएगा, 5 लाख रुपया आप इंक्रीज कर लेंगे खाली ऑडियो और वीडियो को इम्प्रूव करके, आपका नॉलेज आपका शरीर में है तो नॉलेज बाहर में दिखाई देना चाहिए सामने वाले को, पैसा उसी चीज का मिलता है जो आप प्रेजेंट करते हो सामने वाले को, ठीक है जी, ठीक है हमारा बात सच कथन है, खराब लगो या अच्छा लगो पर मेरा बात है सच बोलना इंसान को मुंह के सामने, भले खराब लगो उसको सामने वाला हो, समझ रहे क्या, यही चीज है, ठीक है। सुरभि आपको पूछते हैं, ठीक है सुरभि, वो ऑर्डर टू कैश में क्या क्या डेफिशिएंसीज है बताइए हमको। सर फर्स्ट वी विल चेक वेदर सेल हैज टेकन प्लेस और नॉट और इट इज अ फेक सेल, एंड सेकंड वी विल चेक वेदर दे आर फॉलोइंग अप टू डेटर और नॉट, और if they are not following up and debtor is not paying in timely manner, so it can be a related party transaction as well, so mm-hmm. we'll check for that also. And third we check that purchase order actually placed or not for sale, and we will check sale has taken place from inventory register as well, so that we can check inventory is still in there and they are showing sale. और क्या हो सकता है ऑर्डर टू कैश में डेफिशिएंसीज, अंशुल बताइए क्या क्या हो सकता है डेफिशिएंसीज, सुरभि का पॉइंट भी इंक्लूड करके
ऑर्डर टू कैश में क्या क्या डेफिशिएंसीज हो सकता है? म्यूट में हो आप, म्यूट में हो। So there might be a chances that the quantity that has been dispensed is exceeding the invoice for which we have billed. There might be a price differentiation will be there. There has been a delay in recovering the amount which we can identify from the aging. And apart from this, आप लोग जब भी आंसर बोलते हैं सीलिंग में मत देखेंगे कभी भी, ये भी बहुत जरूरी है, सीधा ही देखना है आपको, ठीक है? क्योंकि आप उधर ऊपर देखेंगे कि नॉर्मल टेंडेंसी होता है सीलिंग में देखने का, पर ये अवॉइड करना है आपको, डायरेक्ट ही देखना है, पानी पी लीजिए, कुछ ना कुछ करिए। तो ऑर्डर टू कैश में क्या क्या डेफिशिएंसीज हो सकता है? नेहल मेहता आप बताइए, ऑर्डर टू कैश में क्या क्या डेफिशिएंसीज हो सकता है? One will be that जो अभी जैसे अंशुल ने बोला कि we have to check with the amount, quantity that is dispatched is not greater than the quantity for which the invoice was made. Mm-hmm. Second will be if debtor is not paying on time, so we'll have to follow it up with the debtor and also check he may be a related party also. Then third will be we'll have to check with the purchase sale register, inventory register, whether they reconcile or not the amount of quantity and dispatched. And we'll also check for the price difference, like if the sale terms were agreed on some price, but actually the sale was made at some other price. So we'll check for that also. और क्या देख सकते हैं? मेरा पिछला का वीडियो जाके गूगल ड्राइव में सब डाल दिए ये वाला चीज। तो एक इनकरेक्ट सेल कमिटमेंट्स वगैरह होता है, तो जैसे हो सकता है सेल का कमिटमेंट वगैरह हो गया तो वो सेल अप्रूव ही नहीं हुआ है रिक्वायर्ड अथॉरिटी से, तो सेल हो रहा है ऐसी सेल हो गया मतलब उसका अप्रूवल नहीं है प्रॉपर, जो टर्म्स एंड अग्रीमेंट सेट हुआ था कि इतना दिन में पैसा देने वाला है डेटर क्रेडिटर का, जो पीरियड होता है डेटर पीरियड, वो अप्रूव नहीं है प्रॉपर, ये हो सकता है सेल कमिटमेंट, ये अप्रूवल। फिर डेटर एजिंग शेड्यूल जो होता है वो अप्रूव होना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो भी है वो अप्रूव होना पड़ेगा। तो पहले का वीडियो जाके पूरा देखना है आपको, ठीक है? टायर टू रिटायर, ठीक है? अभी सबीना को पूछते ही वाला। हाँ जी सबीना। यस सर, हायर टू रिटायर में एक एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी चलती है? एक चीज और आप लोग बता दे, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। हाँ अब एक चीज आप लोग एकदम रेडी रहिए, एक चीज को लेके एक चीज एकदम याद रख लीजिए आप लोग का, आंधी तूफान और एचआर का कॉल कभी भी आ सकता है। क्या बोले फिर से? आंधी तूफान एचआर का कॉल कभी भी आ सकता है जीवन में। तो अब आंधी तूफान के लिए रेडी रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहता ना, पर डील कर लेता है ना। आते तो क्या करते, भागते है ना पहले, तूफान आता तो क्या करते हैं, सो जाते। यू रिएक्ट वेरी क्विकली ना, जब डेंजर होता है तो यू रिएक्ट ना, घर में अगर कुछ भी होता है यू रिएक्ट वेरी क्विकली राइट, व्हेन यू सी अ डेंजर व्हाट यू डू, आर यू वेट, आई एम नॉट रेडी, यू गेट रेडी ना, व्हेन एवर यू फाइंड अ डेंजर। ओके, मान के चलिए घर में शेर आ गया कभी, कोई सांप आ गया, तो क्या करेंगे आप? वेट करेंगे? अच्छा क्या करोगे आप, क्या करोगे तब? घर में आपका सांप आ गया, क्या करोगे? क्या करते हो सबीना बताइए, क्या करोगे? कभी आया नहीं पर आ गया तो बाई चांस क्या करोगे? रिएक्ट करोगे ना, भागोगे इधर उधर राइट। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर द इंटरव्यू कॉल, कभी भी आ सकता है, इट्स अ डेंजर। ओके, यू नीड टू बी रेडी। आप बोल नहीं सकते हम तो रेडी नहीं था, काट लेगा फिर आपको, यही बात है। तो बी रेडी बिफोर हैंड। ओके, मतलब कपड़ा उपड़ा पहन के रखिए, इसका मतलब ऑडियो वीडियो क्वालिटी रेडी होना चाहिए, इंटरनेट घर में होना चाहिए, वाईफाई एटलीस्ट होना चाहिए घर में, वाईफाई होना चाहिए, दो सिम होना चाहिए आपके पास, इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आइडिया का सिम नहीं होना चाहिए। एक लड़की है यहाँ पर, मैं आपको बता दें, इसका नाम प्रियंका गोयल है, उसका है आइडिया का सिम। आई एम टोल्ड सो मेनी टाइम्स कि आइडिया का सिम मत लो, जियो का लो या एयरटेल का ले लो, पर वो आइडिया का सिम ही फॉलो करती है, बोले हम चेंज कर देगा और ट्रस्ट में। ओके, अभी तक एक साल का नौकरी नहीं लगा सीए बने, बोले एक आइडिया का सिम के कारण ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, एक छोटा सा आइडिया का सिम के कारण। क्यों? उसका कॉल आता फोन ही नहीं लगता है, जब भी फोन करो उसका फोन ही नहीं लगेगा, कोई फोन उठा लो नहीं लगेगा, सीवी में जो नंबर दिया उसमें कॉल नहीं लगता है, वो बोलता मेरे पास कॉल नहीं आता सर। कॉल कैसे आएगा, तुम आइडिया का सिम लेके रखा है?
आपको लग रहा है कोई मजाक कर रहा है, ये सभी प्रॉब्लम होता है आदमी के साथ, उसका इंटरनेट काम नहीं कर, दो नंबर नहीं होता है, दो दो नंबर नहीं होता है, आइडिया का सिम होता है, फोन नहीं लगता है, नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये सब बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, बता रहा है आपको, ये सब प्रॉब्लम एकदम वो रखिए, मतलब इंटरनेट, फोन नंबर, कॉल आ जाए रिसीव कर ले, एक्टिव होना पड़ेगा मतलब ऑल द टाइम। बहुत लोगों का फोन कितना ही कर लो वो फोन उठाता ही नहीं है जिंदगी में कभी भी, बिजी है पता नहीं क्यों, बिजी रहेगा तो एचआर कॉल कैसे करेगा आपको, कोई एचआर बोल के करेगा, आप बिजी नहीं होगा तब आपको कॉल करते हैं आपको, आपको फोन तो अपने पास रखना पड़ेगा ना एनी टाइम, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रेडी रहिएगा सब जन। हाँ बोलिए। हायर टू रिटायर में फर्स्टली वी चेक था हाउ द कंपनी प्रोसीजर ऑफ कंपनी टू हायर द रिक्रूट द एम्प्लॉयज ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है, वो सारी स्टडी करनी है, फिर देखना है कि कंपनी जो एम्प्लॉय हायर करती है उनकी KYC करती है, बायोडाटा कैसे, वो सारा रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज, उन रिलेटेड सारा कुछ कैसे कलेक्ट करती है, सारा प्रोसेस सही है या नहीं, देन फिर सैलरी की टर्म्स एंड कंडीशंस की है, क्या है सैलरी की, तो वो प्रॉपरली जो सैलरी बन रही है वो ही एंटर्ड हो रही है बुक्स में करेक्टली या नहीं हो रही सिस्टम में, एंड सैलरी अगर बोनस मिल रहा है वो प्रॉपरली लिंक होना चाहिए, कि अगर कोई एम्प्लॉयर छुट्टी ले रहा है तो वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो सिस्टम में, फिर ही वो डिडक्ट करके ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो, तो वो सिस्टम में इंटरनल कंट्रोल लगा हुआ है दैट काइंड ऑफ या नहीं लगा हुआ, वो चेक करना है, सैलरी चेक कर ली, फिर एंड ऑफ की उसकी रिटायरमेंट पॉलिसी पे क्या क्या उसको मिलना है, तो रिटायरमेंट पॉलिसी की सारी टर्म एंड कंडीशन देखनी है। अच्छा बोल रहे हैं, खुश कर दिया, अच्छा बोल रहे हैं, और बोलिए। हाँ, एम्प्लॉयर को रिक्रूट से लेके उसकी रिटायरमेंट तक के सारे प्रोसीजर पॉलिसीज वगैरह सारा चेक करना है, दैट्स मतलब ये काम होता है इंटरनल ऑडिटर का इसमें हायर टू रिटायर में। देखिए अभी आपका ऑडियो क्वालिटी कितना अच्छा हो गया, आप सबको सुनाई दे रहा है, आपको भले ही दो तीन बार बोले थोड़ा सा बेइज्जती किए पर अब आप ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लिए, यही चीज है, थोड़ा बोले बिना इंसान करता ही नहीं ऑडियो को, अब अच्छा लग रहा है, सुनने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलते ठीक ही हो, अच्छा से समझा भी देते हो, पर ऑडियो क्वालिटी पहले, अब देखिए पहले का ऑडियो क्वालिटी और अब ऑडियो क्वालिटी देखिए, एक्सपीरियंस यूजर का अच्छा हो गया किसी का भी, राइट, यही चीज है, क्योंकि हम लोग भी पहले ऐसे ही देते थे, पहले जब बनाते थे तो ऑडियो क्वालिटी आवाज ही नहीं आता था, तो बहुत सुनने वाले हैं, इसलिए ऑडियो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो से ज्यादा तो ऑडियो क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता है, हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर उसको सुना ही नहीं दिया ना सामने वाले का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है पूरा ही, किसी का भी ऑडियो क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वीडियो भले ही थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाएगा पर ऑडियो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता आज का डेट में, नोबडी कॉम्प्रोमाइजेस विद योर ऑडियो क्वालिटी, ठीक है। इसमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज हो सकता है हायर टू रिटायर में, कीर्तिका अग्रवाल आप तो आपको पता ही है आंसर इसलिए नहीं पूछ रहे, कीर्तिका अग्रवाल व्हाट आर द डिस्क्रिपेंसीज इन हायर टू रिटायर, हायर टू रिटायर में जस्ट लाइक वीडियो ऑन करिए, सर ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखिए मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप लोग का ही जाएगा, वहां पर बोल नहीं सकते आप, वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, वो कैंसिल करवा देगा आपका इंटरव्यू, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल करा देखो, लगा चीटिंग करके बोल रहा है आंसर, आप लोग के साथ होगा तो आप लोग को पता चलेगा हम झूठ नहीं बोल रहे इस चीज को लेके, कोई भी अगर ऐसे बोल के तो चीटिंग करके बोल ही देगा आंसर, सब चलाक होता है घर से, वो बोलेगा तो आके करिए इंटरव्यू, फिजिकली मुंबई में आ जाइए या कलकत्ता आके करते हैं इंटरव्यू आपका, चीटिंग करके तो कोई भी बोली देगा राइट, उसको तो ही लगेगा, ऊपर से आपका विजुअल रिएक्शन ऑडियो रिएक्शन सभी देखेगा, समझ रहे हो कीर्तिका अग्रवाल ना, आप ये बात को सीरियसली ले रहे हो ना, yes, और आपका इंटरव्यू टफ जाएगा, प्लीज रिमेम्बर दिस, योर इंटरव्यू विल गो वेरी टफ बिकॉज आपने 1 ईयर बिता लिया है, और देखिए सबीना को फिर भी छोड़ देगा क्योंकि अभी फ्रेशर है, चलो इसको नहीं आता होगा, यू आर फ्रॉम Big 4 तो आपको तो बहुत सीरियसली लेगा, यू शुड बी नोइंग दिस एवरीथिंग, तो और ज्यादा आपके ऊपर में वो आ गया है, ठीक है चलिए आंसर बोलिए फिर भी, और नेक्स्ट टाइम हम कोई वीडियो और ऑडियो आपको इंप्रूव कर लेंगे, आपके साथ भी वही डेफिनेटली, आप लोग जो एक्सपीरियंस हो गया वो लोग का वीडियो और ऑडियो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ऐसा बात नहीं कि अंकित को या सबीना को छोड़ देगा, पर आप लोग के साथ वो लोग ज्यादा ये सब एक्सपेक्ट करता है कि योर पर्सनैलिटी इज टॉप नॉच,
बिकॉज यू हैव टू डील विद द क्लाइंट डेफिनेटली. तो ये सब चीज को एकदम ही ये कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करने वाला है. और आप किस तरीके से आ रहे हो, आई थिंक अंशुल एकदम अच्छा से बैठा है, मतलब वैसे करके हो करके, मतलब ऐसे करके अगर आप बैठोगे ना सब जन तो बहुत वो से इम्प्रेस होगा ज्यादा करके. घर में एक चेयर लेके बैठ जाइए बढ़िया से, ये बहुत फर्क पड़ने वाला है आपको इंटरव्यू में. वो लेके पूरा रेडी है एकदम इंटरव्यू देने के लिए, तो वो सी भी अच्छा लगेगा लोगों. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बिजी थे, अचानक से इंटरव्यू कॉल आए, ओके ओके हमें वो आपको एक चीज याद रखिएगा, मैनेजर या सीनियर मैनेजर जब इंटरव्यू लेता है वो लेट जरूर करेगा खुद आपको. अगर वो लेट करता है सामने वाला तो आपको उसको कॉल करके उसको खुद बुलाना है, आपको बुलाना है. वो लेट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लेट नहीं करना है क्योंकि वो बिजी हो सकता है, आप बिजी नहीं हो सकते. याद रखिएगा दैट पर्सन मस्ट बी बिजी, पर आप बिजी नहीं होना चाहिए. और वो जानबूझकर लेट करेगा. वो क्यों लेट करेगा पता है क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि आप उसको बुलाए. चीज याद रखिएगा इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं अभी जस्ट. वो जानबूझकर लेट करेगा. वो क्यों लेट करेगा? वो चाहता है कि आप उसको बुलाए. और आप अगर वेट कर रहे हैं कि वो तो मेरे को बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊं उसके पास, आपका इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा. ये छोटा छोटा बारीकी में याद रखिएगा. अगर 12 बजे इंटरव्यू है और वो 12:05 हो जाता है, आपको पहले बोलेगा 5 मिनट पहले इंटरव्यू में बैठ जाइए, आप नहीं आया पहले तो इंप्रेशन वहां पर ही खराब हो गया पहला बात. प्लस अगर वो लेट कर रहा है तो आपको उसको कॉल करना है. वो अगर कॉल नहीं उठाता है तो HR को कॉल करना है कि मेरा कॉल क्यों वो नहीं आ रहा है, मतलब सर का कुछ हो गया. तो बोलेगा सर आ रहा है, आप प्लीज बी ऑनलाइन. तो आपको बी ऑनलाइन रहना है पूरा. वीडियो ऑडियो क्वालिटी के साथ आप बर्मासी एकदम नहीं कर सकता है एट एनी कॉस्ट. और उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि आपको वीडियो ऑन करना है. आई एम टेलिंग यू, अगर वो बोल दिया आपको कि यू ऑन योर वीडियो तो आपका हमको 80% चांस है आपका वो इंटरव्यू नहीं का. आप 80% चांस यू विल गेट रिजेक्टेड इवन इफ योर टेक्निकल गो वेल. क्योंकि इंटरव्यूअर का हमेशा ईगो रहता है साथ में, यार ये चीज को मत भूलिएगा. दे ऑल्सो हैव देयर ईगोस. तो वो देखना चाहता है कि हाँ ये हम्बल है कि नहीं है सामने वाला. तो अगर उसका ईगो थोड़ा सा हट हो गया, स्पेशली मैनेजर सीनियर मैनेजर, और देखा हाँ ये तो वीडियो भी ऑन नहीं किया, मेरे को बोलना पड़ रहा है इसको ये करने के लिए वो करने के लिए, टाइम में नहीं आया, मेरे को बुलाना पड़ रहा है कि ये इंटरव्यू ये कब आएगा, ये सब चीज से बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगा आपका. और आपका जो क्वेश्चन भी पूछेगा ना वो डीप लेवल का पूछेगा फिर, ये भी याद रखिएगा. ये सब साइकोलॉजिकल चीज होता है जो कि आप इंप्रेस करता है किसी को. आप अगर समय में आ जाओगे और उसको बोलाओगे तो उसको इंप्रेशन अच्छा होगा, तो आपको पूछ सकता है व्हाट इज योर फेवरेट इंडियंस. पर आपने अगर लेट से कर दिया, आपने लेट से आया और ना अपोलॉजी भी नहीं दिया, आई एम एक्चुअली लेट, आई एम वेरी सॉरी एंड दिस वॉज द रीजन बिकॉज आई गेट लेट, आपको भी इंडियंस के इतना अंदर घुसेगा कि आप उसके निकलने के बाहर ही सोच नहीं सकते खुद को. समझ रहे हो ना? ये सब चीज याद रखिएगा. वो उसका अगर ईगो हर्ट हो गया तो वो आपका ईगो आपको तहस नहस कर देगा, आपको इतना बात सुना देगा कि आप उसके 3-15 इंटरव्यू देने लायक नहीं बचोगे. ये सब चीज होता है, ये सब चीज एकदम याद रखना है. टाइमली जाना है, अगर 12 बजे तो 5 मिनट पहले जाके बैठ जाएगा, कुछ भी हो जाए. और इंटरनेट एकदम सही कर लीजिएगा उस दिन, वाईफाई हो तो वाईफाई, कुछ भी चीज हो. ठीक है, जैसे वी हैव ओनली, आई हैव ओनली थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ इंडियस, बट आई हैव नॉट डन प्रैक्टिकली वेरी मच ऑन इंडियस पार्ट. कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका फ्रेशर में, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. तो फ्रेशर में आपने जितना किया है उतना ही है. जो मैंने 1 ईयर रह लिया उसको फर्क पड़ने वाला इंडिया से. इंडिया से आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ही पूछेगा. हाँ सर, मैंने भी इंडिया में कभी नहीं किया है तो बोल दीजिएगा मैंने नहीं किया, मेरे का थोड़ा बहुत नॉलेज है. देखो बिग फोर इंडिया से भी आपको लेने में चार साल दिक्कत देगा, बिकॉज आप ऐसे भी प्रोफाइल में, पर ऑफशोर में जाओगे तो इंडिया से ऐसे ही नहीं पूछते आपको. वहां पर बेसिक पूछेगा इंडिया से, 115 116 ये वो बस हो गया आपका. 50% इंटरव्यू में आपको मैं बता देता हूँ फिर से, लिख के ले लीजिए आपका ऑडियो वीडियो क्लियर, और दूसरा पंक्चुअलिटी, आप कितना जल्दी पहुंच रहे इंटरव्यू में और उसको बुला रहे हैं, आप किस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, और आपने ऐसे नौटंकी नहीं कर रहा बीच में, इंटरव्यू ऑन हो गया वीडियो ऑफ हो गया ऑन ऑफ ऐसे ऐसे गेम खेल लिया ना उसके साथ, आपका कहानी खत्म कर देगा वो. देखिए नेहल मेहता ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुका है, तो हम जो भी बोल रहे हैं दिस आर द थिंग्स कैन हैपन इन एनी इंटरव्यू. अगर ये सब चीज में अगर थोड़ा सा भी आपने कर दिया, आपका पिक्चर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा. वो सीधा बोल देगा योर वीडियो इज नॉट क्लियर, योर इंटरनेट इज नॉट क्लियर, we will actually when it is clear then we will schedule the interview with you. ऐसे करके आपका बोल देगा ठीक है हम 4 बजे आपका करते हैं, उसके बाद करेगा ही नहीं आपका इंटरव्यू शेड्यूल, जाइए आपका किया ही नहीं. उसके बाद आप लिंक्डइन में लिखिए या किधर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है. फिर आप उसको कोसेंगे, हाँ हमको पता है उसको कोसेंगे, उसने गलती किया, उसका गलती नहीं था आपका गलती था.
शेड्यूल नहीं करने वाला फिर इसके बाद आपका, एक बार अगर रीशेड्यूल बोल दिया ना, एक बार अगर रीशेड्यूल बोल दिया टेक्निकल इंटरव्यू कि आपका रीशेड्यूल कर रहा है, इसका मतलब वो शेड्यूल नहीं कर रहा है। 90% केसेस में रीशेड्यूल नहीं करेगा आपका इंटरव्यू। अब आपको डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता है कि हम शेड्यूल करेगा, वो बोल देता है ठीक है तुम्हारा इंटरनेट खराब है ना, रीशेड्यूल द इंटरव्यू, विल रीशेड्यूल द इंटरव्यू, डोंट वरी, आपका करेगा ही नहीं उसका शेड्यूल, उसके बाद बोलेगा आपका टाइम नहीं है, जो टेक्निकल इंटरव्यू का आपका टाइम नहीं है। तो ये सब चीज को लेकर गड़बड़ मत करिए, आपको बोल देता है 6 महीना बाद भी नहीं करेगा आपका, ये भी लिख लीजिए, आपका नाम को नोट कर लेगा वो डायरेक्टरी में। ईगो हर्ट कर दिए ना, स्पेशली देखिए सूफी दुकानिया नाम है, बहुत ही अनकॉमन नेम है, नाम नोट कर लेगे तो गया एकदम, जिसका तावड़ी है ये सब नाम नोट कर लेगा, एक बार वो देख लिया ये आदमी है वो नोट कर लेगा, नेक्स्ट टाइम आपका नहीं करने वाला है, 6 महीना बाद हो या 1 साल बाद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीज एकदम याद रखिएगा। और आदमी एक इंटरव्यू लेता है आपका 6 महीना बाद 1 साल बाद भी, याद रखिएगा आदमी ज्यादा चेंज नहीं होता इंटरव्यू में, तो ये सब चीज एकदम ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी जो बताया ना, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी है। देखिए आप जैसे निशा शर्मा का एक्सेंचर है, एक्सेंचर में एक या दो आदमी है जो इंटरव्यू लेता है, मान के चलिए उसके साथ में अपने बैड इंप्रेशन क्रिएट कर लिया, जैसे अंकित है आया वो बैड इंप्रेशन क्रिएट कर लिया, अब उसको यह पहचान गया अंकित चौधरी को पहचान गया वो, अब वो 6 महीना बाद या 1 साल बाद भी जाएगा और इसको तो वही आदमी है जिसे मैं सर इंप्रेशन खराब किया था लास्ट टाइम, इसको बुलाएगा क्या, नहीं बुलाएगा, वो पहचान गया ये आदमी वही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, ठीक है। कीर्ति का अग्रवाल भैया जो बोल रहा था, क्या पूछ रहा था आपको मैं अभी, हायर टू रिटायर, हायर टू रिटायर, ठीक है जी, ओके बोलिए। तो हायर टू रिटायर में फर्स्टली हम जॉइनिंग के लिए इनके न्यू एम्प्लॉइज ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका हम जॉइनिंग लेटर चेक करेंगे और देखेंगे कि ये जो जॉइनिंग लेटर इशू किया गया है वो किस डेट को इशू किया है एंड जिस एम्प्लॉय को इशू किया है उसका डेजिग्नेशन क्या है, नेम क्या है एंड प्रॉपरली एचआर ने ऑथराइज किया है या नहीं है, किसने साइन किया है इस पे, एंड सेकेंड इसमें क्या हम लोगों ने सैलरी लिखा है कि कितना आपको कंपनसेशन देंगे एंड हम उसको उसके सैलरी रजिस्टर से भी चेक करेंगे कि एक्चुअल में उतनी सैलरी जा भी रही है या नहीं जा रही है सैलरी, ठीक है। एंड सेकंड रेजिग्नेशन के लिए हम देखेंगे कि एम्प्लॉयज ने प्रॉपरली रेजिग्नेशन डाला है या नहीं डाला सिस्टम में एंड जो रेजिग्नेशन हम वर्क डे पे भी जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या रेजिग्नेशन की डेट है एंड इसको किस मैनेजर ने अप्रूव किया है एंड किस डेट को अप्रूव किया है एंड उसका क्या डेजिग्नेशन है एंड जो वर्क डे में डेट शो हो रही है वो सही है या नहीं है। एंड थर्ड चीज हम जिन्होंने डिजाइन डाला है उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है तो हम देखेंगे कि उसका एम्प्लॉयज का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो चुका है, इसके लिए एचआर ने प्रॉपरली लेटर वगैरह सब कुछ प्रॉपरली रेडी किया है। डेफिशिएंसीज क्या क्या हो सकता है, क्या क्या गलती हो सकता है, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन दैट यू फाइंड इन योर ऑडिट प्रोसीजर जब आप किए थे ऑडिट। एक्चुअली मैंने कभी देखा नहीं बट डेफिशिएंसी बोलना नहीं ऐसे एक्चुअली आप यही तो नहीं बोलना ना एक्चुअली हमने नहीं किया है, आपको बोला किया है। हाँ तो ज्वाइनिंग के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयज का हम लोग दिखा रहे हैं बट एम्प्लॉयज वो फेक भी हो सकता है, उसने एक्चुअली में ज्वाइन किया ही नहीं हो बट उसको वो फेक करके हम अपने सैलरी रजिस्टर में दिखा रहे हैं। और रेजिग्नेशन केस में ये हो सकता है कि वो एम्प्लॉयज है पर्टिकुलर वो रिजाइन करके जा चुका है बट फिर भी उनको सैलरी जा रही है राइट रिजाइन करने के बाद में एंड सेम मीटिंग में फिर से आ जाइए।